हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम सावन के महीने में शिवजी को चढ़ने वाले चूरमे का प्रसाद बनाएंगे। ये प्रसाद शिवजी को बहुत ही प्रिय होता है और ये प्रसाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस प्रसाद को आप सावन के महीने में या सोमवार के व्रत में ज़रूर बनाकर शिवजी को भोग लगाएं। तो चलिए इस प्रसाद की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कटोरी, कप या कोई भी बाउल सेट कर लेंगे और सभी चीज़ें उसी से मेज़र करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल गेहूं का आटा। अब हम इसमें सेम बाउल से आधा कप सूजी डालेंगे। दोनों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/3 कप या 5 टेबल स्पून घी। घी को हमने हल्का सा गर्म करके लिया है। घी को अब हम आटे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। घी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम आटे को इस प्रकार से बांध कर देखेंगे। आटा इस प्रकार से बंध रहा है तो मोयन आटे में अच्छे से लगा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसका आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। आटा हमें सॉफ्ट लगाना है, तो आटा हमने लगा लिया है। अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम आटे से छोटे छोटे मुठिये बनाकर तैयार करेंगे। मुठिये हमें इस प्रकार से बिल्कुल छोटे छोटे बनाना है। सारे मुठिये हमने बना लिए हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। मुठिये को फ्राई करने के लिए घी को हम पहले गरम कर लेंगे। घी के गरम होने के बाद अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और अब हम मुठिये को फ्राई करने के लिए डालेंगे। मुठिये को हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, तो कुछ देर मुठिये को ऐसे ही फ्राई होने देंगे। कुछ देर बाद अब हम इसे पलटेंगे। दोनों साइड से हमें उलट पुलट करते हुए मुठिये को गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई करना है। मुठिये को फ्राई करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, पर हमें मुठिये को लो फ्लेम पर ही गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। जितना अच्छे से हम मुठिये को फ्राई करेंगे, उतनी ही स्वादिष्ट प्रसाद बनेगी। कुछ समय बाद आप देख सकते हैं कि मुठिये पर बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम मुठिये को निकाल लेंगे और इसी प्रकार से बाकी के मुठिये को भी फ्राई कर लेंगे। सारे मुठिये को हमने फ्राई कर लिया है, अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब हम मुठिये को फ्राई करने के बाद बचे हुए घी को अलग निकालेंगे। केवल कढ़ाई में 2 चम्मच घी को ही रहने देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कटे हुए बादाम, 2 टेबल स्पून कटे हुए काजू। 1 मिनट इसे लो फ्लेम पर भून लेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मगज के बीज, 2 टेबल स्पून पिस्ता। 2 मिनट इसे और लो फ्लेम पर भून लेंगे। 2 मिनट बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ड्राई कोकोनट, जिसे हमने ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लिया है। 2 टेबल स्पून किशमिश। दोनों को मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। कढ़ाई अभी गर्म है, तो हम इसे कुछ देर ऐसे ही चलाते रहेंगे। कुछ देर बाद अब हम इसे अलग रखेंगे। मुठिये भी थोड़े ठंडे हो गए, तो अब हम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। बहुत ही खस्ता मुठिये बने हैं और हमने मुठिये को लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई किया है, तो अंदर तक ये अच्छे से पक गए हैं। तो सारे मुठिये को हम इसी प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो सारे मुठिये को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब हम इसे पीसेंगे। थोड़ा थोड़ा मिक्सी जार में डालते हुए हम इसे पीस लेंगे। हमें मिक्सी को ज़्यादा देर तक एक साथ नहीं चलाना है, 3 से 4 बार रुक रुक कर चलाना है। मुठिये इतने खस्ता होते हैं कि ये तुरंत बारीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसे पीस लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे और इसी प्रकार से बाकी के मुठिये को भी पीस कर तैयार कर लेंगे। सारे मुठिये को हमने पीस लिया है। हमने इसे हल्का सा दरदरा रखते हुए पीसा है।
अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, साथ में डालेंगे एक बाउल किसा हुआ गुड़। गुड़ को हमने बड़े होल वाले ग्रेटर की सहायता से ग्रेट करके लिया है। आप चाहें तो इसे तोड़कर बिल्कुल बारीक कर कर भी डाल सकते हैं। तो गुड़ को हम डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप गुड़ की जगह चाहे तो चीनी का पाउडर या शक्कर का बूरा भी डाल सकते हैं, पर गुड़ के डालने से इस प्रसाद का टेस्ट और भी अच्छा आता है, तो आप इस प्रसाद को गुड़ के साथ ही बनाएं। तो गुड़ को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स, साथ में एक से दो चम्मच घी और डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चूरमे का प्रसाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप इस प्रसाद को चाहे तो डेली भगवान के भोग के लिए भी बनाकर रख सकते हैं। ये प्रसाद 15 से 20 दिन तक आराम से चलता है। सावन के महीने में शिवजी को आप इस प्रसाद का भोग एक बार ज़रूर लगाएं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।